नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में घर में लगी आग में दो पुरुष एक महिला सहित तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि बच्चू व नारायण दोनों भाई हैं और मृतक महिला रानी बच्चू की पत्नी है। बच्चू गाजियाबाद के विकास प्राधिकरण में सुपरवाइजर बताया जा रहा है। तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक ये दर्दनाक हादसा हुआ है। जीडीए का एक फ्लैट है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इसी में फर्स्ट फ्लोर पर रह रहे थे तीन लोग और दो सगे भाई थे, एक उनकी पत्नी थी। तो प्रथम दृष्टया अभी देखने से लग रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और तीनों की दर्दनाक मौत हुई है। डेड बॉडी को पश्चातापमा पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है मर्चरी, और फील्ड यूनिट की टीम में बुला लिया गया है। आग बुझ गई है और हम लोग जांच कर रहे हैं। सर, किसी ठेकेदार के मजदूर के या काम कर अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं ये लोग कौन से कहां से थे। अभी हम लोग उनकी पहचान तो हो गई है सबकी, और डिटेल में उनके बारे में हम लोग पता लगा। आग लगने का कारण पता लगा सर अभी तक? मैंने बताया आपको कि अभी हम टेक्निकल टीम हमारी आ रही है और जाँच कर रही है। प्रथम दृष्टया ये शॉर्ट सर्किट से आ रही है। ये जो लोग चल चल जिन लोगों की मौत हुई है यहाँ पर जलने से, कौन थे आपके? ये हमारे जेठ जिठानी थे। कितने समय से रह रहे थे आप? 5 महीने हो गए रहते थे। क्या कार्य करते थे? ये सरकारी जीडी की नौकरी करते थे। पर घर में कैसे कैसे आग लगी है अभी ये हमें मालूम नहीं है। मैं तो अभी आई हुई हूँ, अभी मुझे पता चला हुआ है। तो पता चला तो आपने क्या देखा? अभी हम लोग अंदर गए हुए नहीं है, जाने नहीं दिया किसी को।